ऑल डे टुडे, मुझे आज सुबह को ये पता चला, आई डिडंट नो अबाउट इट यस्टरडे. तो जब सुबह को पता चलेगा, आज सुबह से मेरा मूड बहुत ख़राब था, बिकॉज ऐसे लोगों को ना एक ऐसी नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे कि बुराई की जीत बताएं. लेकिन मैं जान रहा हूँ कहाँ जा रही हैं. वो उसके ऊपर मैंने पोस्ट कर दिया है, वो आप देख लीजिए. व्हाट आई फील अबाउट दैट, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ, बिकॉज फिर देन आई लाइक ऑल डे टुडे, मुझे आज सुबह को ये पता चला, आई डिडंट नो अबाउट इट यस्टरडे. तो जब सुबह को पता चलेगा, आज सुबह से मेरा मूड बहुत ख़राब था, बिकॉज ऐसे लोगों को ना एक ऐसी Right, we'll wrap. Assalamu alaikum. Jumma Mubarak. कैसे हो? दिल सीने में बैठ रहा है यार, और डर लग रहा है. अपनी बहनों के चेहरे पे प्रियंका रेड्डी दिखाई दे रही है, अपनी घर की लड़कियों में प्रियंका रेड्डी दिखाई दे रही है. शायद आप लोगों को पता ना हो, क्योंकि मीडिया ने इस बात को इतना नहीं वो किया, लेकिन प्रियंका रेड्डी, ये तो एक बहुत दूर हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे मोहल्ले में हुआ है, मेरी सोसाइटी में हुआ है, मेरे आसपास हुआ है. ये क्या है कि अब सुरक्षा कहीं भी नहीं रही. हम लोगों ने देश का एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जहां पे हमारी मां बहनें, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है. इसमें गलती किसी की नहीं है, हम लोगों की है. और सबसे बड़ी गलती मैं कहूंगा कि सरकार की भी है, और उसमें सेकंड हम आते हैं कि हमने पुलिस कर्मियों को क्या बना दिया है, हैं? पुलिस वाले को सुई गिर जाए अगर, गली में ठेला लग जाए, मोहल्ले में ठेला लग जाए, बाजार में कोई ठेला लग जाए, उसकी खबर रहती है, लेकिन अपराधी की खबर नहीं होती. अपराध शुरू होता है हमारे सामने, अपराधी हमारे सामने से चल के चला जाता है, अपराध कर जाता है, रेप कर जाता है, रेप करने के बाद उस लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, और हम कुछ नहीं कर पाते. हम सिर्फ टीवी न्यूज पे देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, नेताओं को, पुलिस वालों को गालियां देते हैं, न्यूज वालों को गालियां देते हैं, फिर स्क्रॉल कर जाते हैं. फिर निर्भया से आसिफा हो जाती है, आसिफा से प्रियंका रेड्डी हो जाती है, लेकिन रेपिस्ट कम नहीं होते. कुछ रेपिस्ट तो छूट जाते हैं, रेप अगर साबित हो जाए तो रेपिस्ट को, मैं तो कहता हूं इस्लामिक कानून में जो सजा है वही सजा होनी चाहिए. सीधा उसको बांध दो और उसको पत्थरों से मारो और वो मर जाए. उसका गुप्तांग काट दो ताकि उसकी आने वाली नस्लें कभी रेप करने के बारे में सोचे भी ना. मेरे प्यारों, मेरे यारों, आज ये प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ है, तब वो निर्भया के साथ हुआ था, फिर वो आसिफा के साथ हुआ था, कल को तुम्हारी बहन, मेरी बहन, किसी के साथ भी हो सकता है. ये लेट हो रहा है और लेट होता जा रहा है, और हम सिर्फ मोबाइल में देखते हैं, देखते हैं और चुप हो जाते हैं. आप मेरा ये लाइव वीडियो देखोगे, कुछ लोग होंगे इसमें से जो शेयर करेंगे, क्योंकि जिनको परवाह है कि वो शेयर मारेंगे इस वीडियो को ताकि ये आवाज दूर तक पहुंचे. कुछ लोग होंगे सिर्फ देखेंगे, लाइक मारेंगे और चले जाएंगे. कुछ होंगे जो कमेंट करेंगे. इस वीडियो को इतना शेयर मारो कि प्रियंका रेड्डी, हमारी बहन को इंसाफ मिले, और हर वो लड़की जिसका रेप होता है हर सेकंड में, हर मिनट में, उसको इंसाफ मिले. अभी मेरा मुंह मत देखिए, इसको शेयर मारिए ताकि मेरी आवाज दूर तक पहुंचे, और आप भी इसके लिए आवाज बनिए. दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे सवाल रखिएगा. एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है, हैं? उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है. एक बेटी का बाप हूं, और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता,
उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है, कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों, लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों। अरे शर्म करो यार, छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं, हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना भगवान, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना, अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप। ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में। किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके। आपको डरना नहीं है। I think it's a cowardly act. Those people have no right to call themselves men. I have only one question. If something like that happened, God forbid, to someone in your family, would you stand and watch or would you help? That's my only question. And I think these things are allowed to happen. They're fine with it because they think it's absolutely fine for something like that to happen to a girl. I think the sentiment that we all feel is not enough. It's something that we can all feel. But I think people get away very easily. And I think that's the problem here. I think people who have sick minds, I think they think that they can just get away with whatever they want. This is just one example, an unfortunate incident. But I'm glad that the nation today has come together. It's not about me, it's not about the people who are here, it's about the nation that has come together. And hopefully this will lead to something much bigger. I'm just disappointed, I'm very sad and hurt. Just to talk about it only is very, very disturbing, and even think about something like this, it is genuinely very disturbing. But I definitely feel women are anyway way more superior than men. We are fighters, और हम जैसे भी सिचुएशन हो हमारी लाइफ में, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, वी ऑल कम आउट एज फाइटर्स। बिकॉज जैसे मैंने वहाँ भी कहा कि वेदर इट्स भगवान को भी हम लक्ष्मी कहते हैं, औरत के और से देखते हैं, औरत की तौर से हम उनको पुकारते हैं लक्ष्मी जी। अगर हम धरती की बात करते हैं तो धरती माँ गर्द के बुलाते हैं। तो वी आर ऑल, जब भी कुछ वी डिस्कस समथिंग लाइक दिस, वी ऑल टॉक अबाउट विमेन। So I think women जो है बहुत ही superior है, तो we will fight out of every situation in life. रवीना जी, जैसे आपने कहा कि मैं सब आवाम तक पहुंचाना चाहती हूं अपनी फिल्म जी, क्या आप कानून में भी अमेंडमेंट देखना चाहती हैं कि कुछ सख्ती की जाए ऐसा कुछ कानून में? बिल्कुल, सख्ती होना जरूरी है, वो समय आ गया है। हम लोग वही लॉज पे चल रहे हैं जो 70 साल पहले और 80 साल पहले, वो जमाना अलग था। आज की दुनिया बहुत बदल गई है, इट्स बिकम अ डेंजरस वर्ल्ड, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर आर चिल्ड्रन, इट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड आर वी लीविंग बिहाइंड फॉर आर फ्यूचर जनरेशंस? तो समवेयर द लॉज हैव टू चेंज टू वर्क विद टुडेज टाइम, विद टुडेज डेंजरस टाइम। बिकॉज ऐसे, मतलब आप ही देखिए, कहीं ना कहीं मुझे तो बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। चाहे गवर्नमेंट्स बदल गए, लेकिन जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसमें तो बदलाव आया ही नहीं है। सो समवेयर इट हैज़ टू स्ट्रेंथन। ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि बहुत हो गया। अब कितनी रोज हम पेपर पढ़ते हैं, अभी सोचते हैं चलो भैया एक और हो गया हादसा, नेक्स्ट डे एक और हो गया, नेक्स्ट डे एक और हो गया, पर रुकेगा कब? और लड़कियों के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी? पहनावा या एक्सपोजर, वो भी ज़्यादा अटेंप्ट करता है अभी के लिए। अभी वही बात आपने कही जो मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाह रही थी, कि यही एटीट्यूड बदलना ज़रूरी है। आप मुझे बोलिए, आप लोग ने पढ़ा होगा पेपर में, 6 महीने की बच्ची का रेप हो गया, 3 साल की बच्ची का रेप हो गया, 6 साल की बच्ची का रेप हो गया, 5 साल की बच्ची को रेप करके गटर में फेंक दिया क्या, मर्डर करके? क्या उन्होंने ऐसे कपड़े और ऐसे एक्सपोजर किया था? उसका क्या एक्सक्यूज है? उसका क्या एक्सक्यूज देंगे लोग? सो इट्स अ प्लेन एंड सिंपल फैक्ट कि माइंडसेट बदलना है।
बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो बोलने में कभी कभी बोलता हुआ ऐसे लगता है कि हम भी पब्लिसिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन खून खौलता है जब ऐसी बातें सुनते हैं। मैं और आतिया अगर काम करते आ रहे हैं बच्चों के लिए, तो आज से नहीं करते आ रहे, पिछले 27 साल से मैं जुड़ा हूँ सेव द चिल्ड्रन इंडिया से, जो बच्चों के लिए काम करते हैं, और सिर्फ बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं, उन बच्चियों को जो फंसी हुई है गलत जगहों में, उन्हें वहाँ से निकाल कर उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि खून खौलता है।